हेलो, स्वागत है आप सभी का निशान ज्ञान चैनल पे। मैं नितिन उपाध्याय आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं जो है आप लोगों के सामने, सब सुबह मेरा एक वीडियो गया था उत्तर प्रदेश स्पेशल के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का, ठीक है। तो इस समय जो है मेरा एक क्वेश्चन आंसर सीरीज आज से चालू हो रहा है और यह रहेगा हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर का। 20 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आपके सामने शाम को एक वीडियो जाएगा, उसका आनंद लीजिए और उस पढ़ाई को नियमित रूप से जारी रखिए। लॉकडाउन के समय का सदुपयोग करते हुए आप अपने लक्ष्य को साधते रहिए। आपको आपके आँख के सामने अर्जुन की तरह केवल और केवल लक्ष्य दिखाई देना चाहिए। जिस दिन ऐसा आपको प्रतीत होने लगेगा, उस दिन आपकी सफलता आपके दरवाजे पर होगी, आपके निकट होगी। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा चलाया गया अभियान आपको अच्छा लग रहा होगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, शेयर करने से मेरा अभियान पूरा होगा। मैं जिस उद्देश्य को लेकर के इस क्षेत्र में आया हूँ कि जिससे मैं आपका सहयोग कर सकूँ, तो मेरा जो उद्देश्य है वो पूरा होता रहेगा। मेरा उद्देश्य है कोई भी प्रतियोगी छात्र इससे वंचित न रहे, मेरे द्वारा चलाए गए अभियान से हर कोई लाभान्वित हो, यही मेरा उद्देश्य है। अधिक देरी न करते हुए शुरू करता हूँ आज का सेशन, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पर आता हूँ। देखिए, हिंदी के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है, विद्यार्थी में कौन सा समास है? तो विद्यार्थी में कौन सा समास है? उम्मीद करूँगा कि आपको जो है अच्छे से दिखाई दे रहा होगा क्लियर। अगर ना दिखाई दे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि सर ये गलती है, ये दिक्कत है, आप अच्छे से कंटेंट बनाइए, ठीक है। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको बेहतर से बेहतर देने के लिए। तो विद्यार्थी में कौन सा समास है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्विक समास। तो जो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स वो है कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर बी सही है। विद्यार्थी में जो है कर्मधारय समास है, ठीक है। तो अगर आपने समास का वीडियो मेरा नहीं देखा है तो हिंदी मास्टर क्लास के नाम से हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में बना हुआ है, चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर के आप ज़रूर देख लीजिएगा, समास आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है चार प्रकार के, बी है पांच प्रकार के, इसी तरीके के ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर आप अव्यय पढ़ेंगे तो अव्यय जो है कितने प्रकार के होते हैं? अव्यय जो है चार प्रकार के होते हैं। यहीं पर मैं अव्यय की थोड़ी सी बात कर देता हूँ। अव्यय किसे कहते हैं? जिस शब्द पर लिंग वचन कारक किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वह जो है अव्यय कहलाता है। अव्यय जो है अव्यय, जिसका खर्च ना हो, मतलब जिस पर कोई प्रभाव ही न पड़े, वही अव्यय है, ठीक है। तो अव्यय जो है चार प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राधा रोती है वाक्य में क्रिया है। देखिए, क्रिया जो है एक क्रिया होती है अकर्मक क्रिया और एक क्रिया होती है सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्या होता है? जैसे अब यहाँ पर मैं उत्तर बता दूँ इसका, राधा रोती है यहाँ पर अकर्मक क्रिया है। जैसे आपसे पूछा जाए कि राधा रोती है तो आपको स्वयं पता चल रहा होगा राधा आँखों से रोती होगी, ठीक है आँखों से रो रही है, अर्थात यहाँ पर आँख की ज़रूरत नहीं है कि राधा आँख से रोती है। यहाँ पर कर्म शब्द लगाने की आवश्यकता नहीं है, अर्थात यहाँ पर बिना कर्म का धातु, बिना कर्म की क्रिया है अकर्मक क्रिया। अगर वही कहा जाए राम खाता है तो मैं तुरंत ही प्रश्न पूछ लूँगा, भैया राम क्या खाता है? तो राम आम खाता है, तो वहाँ पर खाना जो है सकर्मक क्रिया हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ अकर्मक और सकर्मक आपको अच्छे से आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रोना धोना किस क्रिया का उदाहरण है, ठीक है। तो क्रिया को मैं एक बार अच्छे से आपको पढ़ाऊंगा, तो आज क्वेश्चन आंसर सीरीज के माध्यम से केवल क्वेश्चन आंसर सीरीज देखिए। तो रोना धोना जो है यौगिक क्रिया का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? यौगिक क्रिया का उदाहरण है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ई का उच्चारण स्थान क्या है? ई का उच्चारण स्थान के बारे में एक सेपरेट वीडियो मैं आपको दूंगा। ई का उच्चारण स्थान जो होता है तालु। क्या होता है? तालु। इचु यशा नाम तालु। मैं एक बार बताऊंगा इसे अच्छे से, लेकिन एक बार ध्यान रखिएगा, ई का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अब छठवां क्वेश्चन है, अविकारी शब्द है मैंने अभी बताया, ऐसा शब्द जिसमें कोई विकार उत्पन्न न हो, ठीक है। तो अविकारी शब्द कौन सा है? अव्यय, ठीक है। अव्यय मतलब अविकारी, जिस पर कर्ता, कारक, लिंग, वचन किसी का कोई प्रभाव न पड़े, वह अव्यय है, वही अविकारी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शब्द से विशेषण क्या बनेगा? विशेषण
विशेषण किसे कहते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, विशेषण किसे कहते हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जैसे कहा जाए कि उसमें उनमें जो है मानवता का गुण है, कि किसी की व्यक्ति की बात की जाए, कहा जाए कि उनमें जो है मानवता का गुण है, तो जो मानवता शब्द आएगा वह विशेषण के रूप में प्रयुक्त होगा। किसके रूप में प्रयुक्त होगा, विशेषण के रूप में प्रयुक्त होगा। तो मानवता, मानव का विशेषण क्या होगा, मानवता होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आया होगा। अगला क्वेश्चन है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, मुझे शब्द, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, तो उत्तम पुरुष है। क्या, मुझे कौन सा पुरुष है, मुझे जो है उत्तम पुरुष सर्वनाम है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, रचना की दृष्टि से क्रिया कितने प्रकार की होती है। अभी मैंने बताया रचना की दृष्टि से क्रिया जो है दो प्रकार की होती है, एक होती है कर्मक क्रिया, एक होती है सकर्मक क्रिया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, तो क्रिया के मूल रूप को भैया धातु कहते हैं। जैसे अगर बोला जाए आपको पढ़ना, कहा जाए पढ़ना, जब पढ़ना शब्द आप लिखेंगे तो एक होगा पढ़, एक होगा पढ़, एक होगा ना, ठीक है, पढ़ और ना से मिलकर बनेगा ये जो पढ़ है, ठीक है, ये जो पढ़ है इसे धातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, धातु बोलते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा, ठीक, कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो कवि का जो स्त्रीलिंग होगा थोड़ा सा धुधला है, आप इसे जो है कंप्रोमाइज़ करिएगा। कवि का जो स्त्रीलिंग होगा वो होगा कवयित्री, क्या होगा, कवयित्री, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कव इस तरीके से लिखा जाएगा कवयित्री, ठीक है, इस तरीके से लिखा जाएगा कवित्री। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, एक क्वेश्चन जो है कई बार परीक्षा में पूछा गया है, कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा। अगला क्वेश्चन है, जो व्यर्थ की बातें करता है उसे क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए है बहुभाषी, बी है कुवक्ता, सी है वाचाल, डी है वाक्पटु। तो इसे, जो व्यर्थ की बात करता है उसे कहा जाता है कुवक्ता। क्या कहा जाता है, कुवक्ता, आप बात तो करते हैं लेकिन वो बातें जो है व्यर्थ की होती है, होता है कुवक्ता, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं, जो वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ है, ठीक है, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ है उसे क्या कहते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं अन्योदर। पिता एक ही है, पिता एक ही है, लेकिन माता जो है जब अलग अलग होती हैं तो एक माता का लड़का और दूसरी माता का लड़का जो है आपस में दोनों अन्योदर होते हैं। क्या होते हैं, अन्योदर होते हैं, ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। लेकिन अपने ही माता से जब दो भाई सगे उत्पन्न होते हैं उन्हें कहते हैं सहोदर। क्या कहते हैं, सहोदर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। शुद्ध वर्तनी से भी मैं क्वेश्चन डाल दिया हूँ, इसमें जो है श्रृंगार आपको चयन करना है। तो श्रृंगार बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, आप लोग आसानी से जवाब दे देंगे, तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, इस तरीके से श्रृंगार लिखा जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, भारत संघ की राजभाषा क्या है, तो भारत संघ की राजभाषा जो है वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों है। न ही अगर बात की जाए हिंदी की, तो हिंदी जो है हमारे देश की अकेले राजभाषा नहीं है, बल्कि पूरे भारत संघ की राजभाषा की अगर बात की जाए तो हिंदी और अंग्रेजी जो है दोनों भारत संघ की राजभाषा है, ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन है प्रत्युत्पन्नमति, प्रत्युत्पन्नमति में, ठीक है, प्रत्युत्पन्नमति में शब्द में उपसर्ग क्या है। देखिए उपसर्ग का पता लगाने के लिए सबसे पहले आप जो है इसका संधि विच्छेद जब करेंगे तो होगा प्रतिधन उत्पन्नमति, क्या होगा, प्रतिधन उत्पन्नमति, इसका ई मिल करके इसका ऊ मिल करके हो जाएगा यह, क्या बनेगा, इसका ई मिल करके इसका ऊ मिल करके बनेगा यह, तो ए हो जाएगा प्रत्युत्पन्नमति, ठीक है। तो इको यड़च यहाँ पर यड़ स्वर संधि है और प्रति शब्द पहले आ रहा है, अर्थात यहाँ पर प्रति उपसर्ग भी होगा, कौन सा उपसर्ग होगा, प्रति, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, मूली गाजर समझना, कहा जाता है तो तुम हमारे लिए मूली गाजर के समान हो, तो मूली गाजर का मतलब क्या होता है वही पूछा गया है। एक मुहावरा है, तह तक की बात समझना, खेती का ज्ञान होना, अति तुच्छ समझना और इनमें से कोई नहीं, तो जिसका राइट आंसर है वो है अति तुच्छ समझना। जब किसी को आप मूली गाजर समझने लगते हैं तो आप समझते हैं कि वह अति तुच्छ आदमी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, समास शब्द का, समास शब्द का अर्थ क्या होगा, सात शब्द का अर्थ जो है संक्षिप्त होता है, क्या होता है, संक्षिप्त। समास का मतलब होता है छोटा, लेकिन समास का शब्द का अर्थ यहाँ पर छोटा नहीं लिखा जाएगा, ठीक है,
तो क्लियर अर्थ जो इसका होगा वो होगा संक्षिप्त। समास का मतलब संक्षिप्त। देखिए जैसे रात्रि का अगर पूछा जाए, रात्रि का विलोम क्या होगा, रात्रि का होगा दिवस। अगर पूछा जाए रात क्या क्या होगा तो दिन होगा। तत्भव में अगर आपसे पूछा जाए विलोम शब्द तो तत्भव में ही उत्तर दीजिए, और तत्सम में पूछा जाए तो तत्सम में ही उत्तर दीजिए। ऐसा बनाइए कि थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे और उसमें जो है कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट करना जानिए। जैसे समास पूछा गया है, समास का विलोम शब्द अगर पूछा जाए तो व्यास होगा, क्या होगा व्यास। अब समास का एक अर्थ तो होता है छोटा, तो और छोटा का विलोम बड़ा हो सकता है, तो समास का विलोम बड़ा नहीं होगा भैया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको आ गया होगा, समास का विलोम व्यास होगा और समास का शाब्दिक अर्थ होगा संक्षिप्त। ऑप्शन नंबर ए सही है। कोदंड, कोदंड का पर्यायवाची शब्द क्या है, कोदंड का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो कोदंड मतलब होता है धनुष। ऑप्शन नंबर ए सही है। 20वां क्वेश्चन है, रवि सदा अमन के प्रति, रवि सदा अमन के प्रति। ऑप्शन नंबर ए है कृपा, बी है कृतज्ञ, सी है उपकृत, डी है कर्मठ। तो जो इसका राइट आंसर होगा कृतज्ञ। रवि सदा जो है अमन के प्रति क्या रहता है, कृतज्ञ रहता है, ठीक है। रवि सदा अमन के प्रति कृतज्ञ रहता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। यही 20 क्वेश्चन थे जो मैं आज आपके सामने रखने की कोशिश किया हूँ और पूरा प्रयास किया हूँ कि आप समझ जाइए। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसी तरीके का वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारा सपोर्ट करने के लिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।